सोनपुर आए और थिएटर का नाम नहीं सुने, ये हो नहीं सकता। तीन थिएटर का जो है यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए इधर सोबत हैंडीक्राफ्टेड का जो हम बता रहे थे ना, यहाँ कुछ सीन चल रहा है, बहुत सारे लोग जो है यानी एकदम मेला को जो है ना जोरों शोरों के साथ जो है प्रदर्शनी क्षेत्र में सभी लोग लगे हुए हैं। जैक्सन से आएंगे तो सीधे रास्ता यही आ जाएगी और उसके बाद सबसे पहले आपको मिलने वाला है फिश टर्नल। क्या नाम हो गया इसका? ये हलवा पूरी है भाई, हलवा। लगभग एक दो और बढ़ सकते हैं, एक दो नहीं 14-15 आएंगे। 14-15 रहेंगे। इसका प्राइस क्या है बताएंगे? 160 रुपए केजी है। 160 का केजी। आप देख रहे हैं नंदन। हेलो, वेलकम बैक। माय यूट्यूब चैनल नंदन ब्लॉगर में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम अपने बिहार में ही सोनपुर में हैं और सोनपुर में जो है छठ पर्व के 5 दिन बाद ही जो है यहाँ भव्य जो है मेला का आयोजन किया जाता है, और जो भी कि पशु मेला जो कि एशिया का प्रसिद्ध मेला है। और हम अभी हैं यहाँ सामने जो है, आप जब जंक्शन से जस्ट निकलेंगे बाहर तो इस प्रकार का आपको गेट मिल जाएगा, इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। बहुत सारा जो है ऐसा गेट बना हुआ है और ऐसे ऐसे गेट 5-6 आपको मिल जाएंगे, और मेला का क्या कैसे तैयारी चल रहा है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। मेला का जो है कुछ दृश्य है जो कि इंडिया का नंबर वन जो है बिगेस्ट जो है फिश टनल बनाया जा रहा है। इधर सामने देख रहे होंगे इस तरफ जो है फिश टनल बनाया जा रहा है, जो कि आप राजगीर में भी इसको देखे होंगे, पटना में भी इसको देखे होंगे, अब आपके सोनपुर मेला में भी आपको देखने को मिलेगा। और कुछ इस प्रकार का देखिए बनाया गया है, ये देखिए काफ़ी जो है ना बड़ा भी है, कुछ अलग है। आपको क्या होगा कि राजगीर और पटना से अलग होगा यहाँ का नज़ारा। देखिए कुछ इस प्रकार से नज़ारा है, और ये देखिए ये सामने जब ये जंक्शन से आएंगे तो सीधे रास्ता यही आ जाएगी, और उसके बाद सबसे पहले आपको मिलने वाला है फिश टर्नल, उसके बाद फिर जो है मेन गेट है, और फिर गेट के बाद इंटर करेंगे दाहिने साइड और फिर सामने भी जा सकते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार का जो है फिश टर्नल है, बहुत ही सुंदर तरीका से। ये देखिए देखिए मेला की तैयारी जो है जोर शोरों के साथ चल रहा है, और आज है 20 तारीख, और 20 तारीख के दिन जो है कुछ यहाँ का जो है हलचल है इस प्रकार से। और देखिए काफ़ी जो है ना ये फिश टर्नल भी बन के तैयार हो गया है, और जो भी मछलियाँ हैं उसको भी जो है सुरक्षित रखा गया है। और ये देखिए यहाँ पे जो आप ये स्पॉट जो होगा आपका, वो झूला भी लगा हुआ है, देखिए टावर झूला भी है, और जो जो आप राजगीर में भी एक दो झूले को देखेंगे उस प्रकार का झूला भी यहाँ लगाया गया है। तो चलिए और अंदर आपको दिखाते हैं फिश टनल का नज़ारा जो है, नज़ारा जो है आपको नज़दीक से दिखा देते हैं, और कुछ बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये भैया चैनल का नाम पूछ रहे हैं नंदन ब्लॉगर जी। तो अभी जो बिगेस्ट जो है इंडियाज़ का जो फिश टनल है वहाँ है, और देखिए फिश टनल का नज़ारा कुछ अलग होने वाला है। अभी तो तैयारी चल रहा है, तैयारी में जो है ज़्यादा अभी कुछ तैयार ही हो रहा है, लेकिन ये आप अगर 26 तारीख को यहाँ आ रहे हैं आप 25-26 तारीख को, तो यहाँ जो है कुछ अलग तरह का जो है यहाँ भी आपको सोनपुर में भी जो फिश टनल का आनंद उठा सकते हैं। और बहुत सारी जो मछलियाँ हैं जो कि समुद्री प्रजाति के हैं, समुद्र में रहने वाले जो भी हैं मछलियाँ हैं उसको भी यहाँ लाया गया है, और उसको भी आपको दिखाया जाएगा। तो अगर डिजीलैंड मेला में आ रहे हैं, मात्र जो है यहाँ का जो है ना 100 रुपये का फीस है, मतलब इसके अगर चार्ज करें तो 100 रुपया मात्र चार्ज है। यहाँ आएँ और विजिट करें, और अंदर जाने से वैसे मना होगा लेकिन आगे दिखा रहे हैं पूरा जो है ना बहुत ही सुंदर तरीका से जो है तैयार किया जा रहा है। और ये कुछ यहाँ का नज़ारा है अंदर का, क्योंकि अभी जो है तैयारी हो रहा है, पूरा लाइटिंग वगैरह सारा कुछ आएगा। तो आप अगर 26 या 27 तारीख को 25 तारीख से ही शुरू हो जाएगा अगर आ रहे हैं तो आइए विज़िट कीजिए, और जो उस समय का जो होगा यहाँ का जो दृश्य बहुत ही सुंदर होने वाला है, बहुत ही अच्छे तरीके का। और ये देखिए कुछ ये आउटडोर रहेगा, इधर से वो सामने से जो है एंटर करेंगे, और ये आउटडोर का कुछ नज़ारा है। देखिए यहाँ पे जो है हरिहरनाथ मंदिर का जो है बोर्ड है, और इस तरफ जो है मेन गेट है, ये सामने जो दिख रहा है आपको मेन गेट है, और मेन गेट के जस्ट जो है ना दाहिने साइड में आपको फिश टनल मिल जाएगा। और यहाँ से अगर दूरी की बात करें तो 1.5 किलोमीटर की दूरी है जंक्शन से। हम लोग जो है ना मेन गेट से अंदर आए, दिखाए थे आपको मेन गेट, और उसी जो वही गेट जो है ना गंगा घाट तक जाती है, और ये जो है ना मेला का जो है ना मुख्य जो है केंद्र रहता है। ये देखिएगा रेलवे जो लाइन है, और ये देखिए सामने का कुछ नज़ारा, यहाँ पर देखिए कलाकारी वगैरह हो रहा है सारा चीज़ यहाँ, और कुछ अलग प्रकार का जो है ना गेट बनने वाला, ये जो गेट का डिजाइनिंग हो रहा है यहाँ देखेंगे, और कुछ अलग प्रकार का जो है ये दिखेगा सामने का यहाँ का। यहाँ पे जो है उस समय जो काफ़ी भीड़ रहेगा, 25 तारीख के बाद जो है ना यहाँ एकदम काफ़ी भीड़ रहेगा। ये आप जो है ना सामने जो है वो गेट से अंदर आएंगे, ये जो आपको गेट है और एक गेट जो बन रहा था वो देख रहे थे, और उसके बाद देखिए इस तरफ यहाँ पे जो कार्यक्रम जो होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसके लिए तैयारी जो है काफ़ी
जो है ना जोर शोर के साथ यहाँ चल रहा है। और हमारे अजीत भाई जी भी आए हुए हैं, इनका भी ब्लॉग एकदम तगड़ा बन रहा है भैया, वहाँ जाके विजिट कीजिए। वैसे तो मेंशन रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो है पूरा जो पंडाल सेटअप हो गया है, यहाँ पे जो है ये शौचालय का निर्माण भी हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे, और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है सजाया जा रहा है। ये देखिए कुछ इस प्रकार का यहाँ का तैयारी है और बहुत ही सुंदर होने वाला इस बार का जो है मेला, तो आप लोग अवश्य आएँ। और ये रहा कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो है ये दृश्य, यहाँ पे कुछ यार जो है प्रदर्शनी लगेगा जो हैंडीक्राफ्टेड का, और इस लाइन में पूरा प्रदर्शनी क्षेत्र रहेगा। और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का कुछ दृश्य यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ये आज तो यहाँ तक पहुँच गए क्योंकि अभी भीड़ नहीं है और मेला से यहाँ पर जो है ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन उस समय आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है क्राउड भीड़ देखने को मिलेगा। ये देखिए और कुछ इस प्रकार का सामने का नज़ारा यहाँ का, ये देखिए। अभी आप हैं मेला प्रदर्शनी सोनपुर, हरिहर क्षेत्र सोनपुर में, और यहाँ पे जो है हैंडीक्राफ्टेड का जो है पूरा जो इस तरफ इस साइड आपको हैंडीक्राफ्टेड प्रोडक्ट सारी चीज़ मिल जाएंगे। और ये सामने देखिए जो कार्य यहाँ पे जो भी सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम जो होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ होगा, और इसके जस्ट जो है उत्तर दिशा में जो है आपको हैंडीक्राफ्टेड का जो है पूरा प्रोडक्ट मिलने वाला है। कुछ इस आज जो है तैयारी ही चल रहा है, आप अगर 25 तारीख के बाद आते हैं तो यहाँ जो है कुछ अलग ही नज़ारा मिलने को है और बहुत ही सुंदर। और इस साल जो है लगभग कुछ अलग होने जा रहा है क्योंकि बहुत सारा चीज़ जो है नया आया है। फिश टनल जो आपको दिखा रहे थे, फिश टनल भी जो है नया है यहाँ के लिए। इस सोनपुर में जो है फिश टनल पहली बार आया था, उसको भी आप देखे होंगे। और ये कुछ इस प्रकार का यहाँ का नज़ारा है। आज का तैयारी जो है ना जोर शोरों के साथ चल रहा है, ये देखिए आप। और यहाँ पर जो है इस तरफ जो बता रहे थे हैंडीक्राफ्टेड का जो भी प्रोडक्ट बनने वाला है उसकी तैयारी चल रहा है इधर। और लगभग जो है 5-6 दिन है तो इसमें लगभग संभवतः जो है ना मतलब पूरा हो जाना चाहिए, एकदम 5 दिनों में जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो है यानी एकदम मेला को जो है ना जोरों शोरों के साथ जो है प्रदर्शनी क्षेत्र में सभी लोग लगे हुए हैं। यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा लगभग इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में प्रदर्शनी हो गया, मेन मुख्य मंच हो गया, जी जी प्रदर्शनी हो गया, आगे मंडप हो गया, होटल जी बहुत सारा काम है जी। यहाँ पे जो है प्रदर्शनी क्षेत्र को दिखाया गया, यहाँ पे जो है यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात कर रहे थे वो है, उसके सामने जो सटा हुआ है जो है हैंडीक्राफ्टेड का जो प्रोडक्ट होगा वो दिखाया जाएगा। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का 2023 का जो है कुछ इस प्रकार से जो है ये देखिए डिजाइनिंग किया गया है बहुत ही सुंदर तरीका से। और ये जो है ना ये 2-4 दिन का मेहनत नहीं, लगभग 10-15 दिनों का मेहनत रहता है, और उसके बाद ये कुछ इस प्रकार का नज़ारा होता है और तब आप जो है इस चीज़ को आप देख पाते हैं। बिहार से ही नहीं, बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ लोग आते हैं। और ये जो है मेला की बात की जाए तो ये तो एशिया का सबसे बड़ा जो है पशु मेला है। और यहाँ जो है एक समय ऐसा होता था जहाँ जो है मध्य एशिया के बहुत सारे लोग यहाँ आते थे, और आज भी जो है उसी तरह का। देखिए यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की बात कर रहे थे, ये देखिए कुछ अलग तरीका का यहाँ मिलेगा आपको, हर चीज़ ही चल रहा है। ये था कुछ तैयारी का वीडियो, और देखिए फिर आगे दिखाते हैं आगे, तो हमारे वीडियो में भैया बने रहेंगे। ये सोनपुर आए और सोनपुर का झूला नहीं देखे तो फिर क्या देखे। ये देखिए सोनपुर का झूला का कुछ इस प्रकार का है, और यहाँ पे देखिए ब्रेक डांस वगैरह सब मतलब बहुत सारे जगहों पे झूला लगा हुआ है, एक ही जगह नहीं 5-5 जगह में आपको जो है टावर झूला मिल जाएगा, ब्रेक डांस मिल जाएगा, और सारे चीज़ आपको मिलने वाला है इस सोनपुर मेला में, तो आइए ज़रूर जी। भैया सोनपुर आए और थिएटर का नाम नहीं सुने, ये हो नहीं सकता। हाँ, और ये जो आप देख रहे हैं ये लोकेशन है, अगर थिएटर की लोकेशन की बात करें तो ये सामने का लोकेशन है। ये जो आप ट्रेन जा रही है वो मेन गेट जो बता रहे थे, जो मेन गेट से इंटर करेंगे वहाँ पर लकड़ी बाज़ार सामने हो गया, फिर घोड़ा चिड़िया बाज़ार है, और मेला प्रदर्शनी का ऐसे गेट लगा हुआ है। यहाँ देखेंगे ये जो है ये थिएटर का नज़ारा है यहाँ का कुछ, और ये सामने जो है यहाँ पर थिएटर लगने वाला है। 3 थिएटर इधर होगा, 1, 2, 3 यहाँ तीन ढांचा में तैयार होकर मिल जाएगा आपको 26 तारीख को। 25 तारीख का जो है उद्घाटन है, और 26 तारीख से आप यहां विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये 3 थिएटर का जो है यहां पे लगा हुआ है, देखिए इधर शोभा थिएटर है, और इधर गुलाब जो है गुलाब थिएटर, और ये देखिए यहां पे तैयारी जो है जोड़ों शोरों के साथ चल रहा है, और कुछ इस प्रकार का नज़ारा है यहां का देखिए। अभी इंद्रमणि पथ पे थे और इन मणिपथ के सामने जो है ये स्टॉल लग जाएगी, इसका क्या नाम हो गया इसका? ये हलवा पूरी है भाई, हलवा पूरी है, और ये लगभग जो है आपको मेला में भी यहाँ पे ही मिलेगा। और इसकी लोकेशन की बात की जाए तो इधर सामने थिएटर हो गया, और इस तरफ मेन गेट है कल्चरल जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का इधर है, और इधर जो रेल ग्राम है उसके एकदम टर्निंग पे यहाँ पे मिल जाएंगे। लगभग 1-2 और बढ़ सकते हैं, 1-2 नहीं 14-15 रहेंगे। और ये और कैसे कैसे करके इसका प्राइस क्या है बताएंगे? 160 का केजी है, और आपको ये देखिए ये 160 का केजी मिल जाएगा, आप आइए और विजिट कीजिए। और कैसा टेस्ट है अभी बताएंगे सुमित जी, टेस्ट किए थे कैसा लगा? ना ज़्यादा खराब ना ज़्यादा अच्छा, नॉर्मल नॉर्मल में बढ़िया। चलिए थैंक यू जी। तो हम बता रहे थे
कि सोनपुर मेला का जो है ना भैया मेला सज धज कर होने को हुआ तैयार। और ये देखिए कुछ इस प्रकार से तैयारी चल रहा है और बहुत ही सुंदर तरीके से, और यहाँ आप आके विजिट कर सकते हैं। और 25 तारीख से जो है ना भैया यहाँ का उद्घाटन है, 25 तारीख से ही मेला का शुभारंभ हो जाएगा। 27 तारीख को जो है शाही स्नान है, जिसमें बहुत सारे साधुजन बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ, और हो सकता है तो चीफ गेस्ट में यानी तो बिहार के मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो, ये सभी लोग आएंगे। और कुछ इस प्रकार से तैयारी चल रहा है, देखिए बेहतर तरीके से डिजाइनिंग किया जा रहा है, आप नज़दीक से जाके देखेंगे बहुत ही सुंदर तरीका से देखिएगा ये डिजाइनिंग। और ये जो है आपको 25 तारीख को अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो बहुत ही अलग तरीका का ये पंडाल सज धज कर आपको तैयार मिलेगा, मतलब पूरा कैप्चर किए और क्या किस लोकेशन शेयर किए। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करेंगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।